आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी ईरान को कड़ी चेतावनी, कहा ईरान के 52 ठिकाने हमारे निशाने पर। बसपा प्रमुख मायावती ने साधा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर निशाना, यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी उठाए सवाल। सपा सांसद आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 18 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच आज, मैच पर बारिश का साया, बुमराह और धवन पर रहेगी नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने फिर से हमला कर हमारे लोगों और ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसके 52 ठिकानों को एक झटके में ध्वस्त कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के 52 ठिकाने हमारे निशाने पर है, जो ईरान और ईरानी संस्कृति के लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं। हम किसी भी तरह के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अब ईरान ने अघोषित रूप से अमेरिका के साथ युद्ध करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने जानकरन मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहराकर युद्ध के लिए चेतावनी दे दी। इस तरीके के हालात में झंडा फहराने का मतलब होता है कि युद्ध के लिए तैयार रहे या युद्ध आरंभ हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा पहली बार नहीं है कि ईरान ने इस तरह से मस्जिद पर लाल झंडा फहराया है। कोम स्थित जानकरन मस्जिद के गुंबद पर आमतौर पर धार्मिक झंडे फहराए जाते हैं। ऐसे में धार्मिक झंडे को हटाकर लाल झंडा फहराने का मतलब युद्ध के ऐलान के रूप में लिया जा रहा है। झंडा फहराकर ईरान अपने नागरिकों को युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहने को कह रहा है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने CAA के प्रति समर्थन जताने के लिए प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन के सिएटल शहर में लोगों ने CAA के समर्थन में पोस्टर लेकर नारे लगाए, साथ ही इन लोगों ने इसे बेहद ही जरूरी कदम बताया। लोगों के हाथों में पोस्टर थे और वे CAA के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इन पोस्टरों पर लिखा हुआ था कि CAA सम्मिलित करने वाला है, ना कि भेदभाव करने वाला। CAA सताए गए अल्पसंख्यकों के लिए है। अमेरिका के शिकागो में भी भारतीय मूल के लोगों ने CAA के समर्थन में रैली निकाली। लोगों ने हाथों में CAA के समर्थन में पोस्टर लिए हुए थे। इन लोगों ने CAA के समर्थन में नारे भी लगाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। देर रात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उद्धव ठाकरे की तरफ से मंत्रालयों के बंटवारे की सूची मंजूरी के लिए भेज दी गई थी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनिल देशमुख को गृह मंत्री बनाया गया है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को खरी खोटी सुनाई है। ओवैसी ने इमरान खान को बांग्लादेश से 7 साल पुराने हिंसा के वीडियो को हटाने के लिए फटकार लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई है। गौरतलब है कि पाक PM ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर भारत में मुस्लिमों की स्थिति पर तंज कसा था। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि इमरान खान को भारतीय मुसलमानों की चिंता करने के बजाय अपने देश पाकिस्तान में मुसलमानों की स्थिति के बारे में चिंता करनी चाहिए। ओवैसी ने एक कार्यक्रम में कहा कि खान साहब, आप अपने ही देश की चिंता करें। हमने जिन्ना के गलत सिद्धांतों को खारिज कर दिया है। हम गर्व से भारतीय मुसलमान हैं और आगे भी रहेंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने हिंसा को लेकर यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा कि पुलिस ने बिना जांच प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई शर्मनाक और निंदनीय है। यूपी सरकार तुरंत निर्दोषों को रिहा करे। पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी में CAA और NRC के विरोध में किए गए प्रदर्शनों में बिना जांच पड़ताल के ही, विशेषकर बिजनौर, संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, फिरोजाबाद व अन्य और जिलों में भी जिन निर्दोषों को जेल भेज दिया गया है, जिसे मीडिया ने भी उजागर किया है, यह अति शर्मनाक व निंदनीय है। सपा सांसद आजम खान अदालत में पेशी के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। रामपुर की ADJ 6 कोर्ट ने आजम खान को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के लिए समय दिया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। फिलहाल उनकी तरफ से वकील बदले जाने की अपील के बाद उन्हें कुछ समय और दिया गया है और अब ADJ 6 कोर्ट में उन्हें 18 जनवरी को पेश होने के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। आज ADJ 6 कोर्ट रामपुर में माननीय आजम खान के खिलाफ 4 मामले लंबित थे,
और उसमें चार मामलों में से एक मामले में जो सवार में रोक टोक करने की अनुमति मांगी गई थी उस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। उसके अलावा दो एक मामला जयप्रदा के लिए उन्होंने एक अपशब्द कहे थे उसमें उनका बीडब्ल्यू वारंट जारी हुआ है। एक अन्य मामले में भी जस्टिस सेना के ऊपर उनको बयान दिया था उसमें उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया। वो कौन सी तारीख दी है? उसमें 18 जनवरी चाहिए। बाकी इन तीनों मामलों में 16 जनवरी कोर्ट ने दी। वाले रोड शो वाले मामले में जो जिला अध्यक्ष थे अखिलेश जी उन्होंने अपनी जमानत करवा ली है लेकिन माननीय आजम खान आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुए हैं। उनके खिलाफ पहले भी एनडब्ल्यू वारंट था और आज भी नहीं हाजिर नहीं होने पर पुनः उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया आज श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले T20 मैच से नए साल की शुरुआत करेगी। इसके साथ ही नए दशक का भी आगाज करेगी। इस दशक में टीम इंडिया के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी और आने वाले 10 साल में क्रिकेट प्रेमियों को टीम का बदला स्वरूप भी देखने को मिलेगा। लेकिन हर कोई दशक की शुरुआत जीत के साथ एक शानदार मैच से करना चाहता है मगर क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों पर गुवाहाटी में पानी फिर सकता है। गुवाहाटी में दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा जिस पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मैच से 2 दिन पहले यहां पर बारिश हुई थी और रविवार को भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। तेल कंपनियों ने लगातार 4थे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। 1 जनवरी को पेट्रोल व डीजल के दाम स्थिर थे लेकिन इसके बाद पिछले 3 दिन से इसमें इजाफा हुआ है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 10 पैसे बढ़ गई है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 9 पैसे। डीजल की बात करें तो दिल्ली और कोलकाता में 1 लीटर डीजल की कीमत 11 पैसे बढ़ गई है, मुंबई में 12 पैसे, वहीं चेन्नई में भी डीजल का दाम 11 पैसे बढ़ गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल।